भाषण देने वाले भाई राक्षस, हमारी सुंदर बिटिया, क्या नाम है उसका, शकुन शशिबाला, और इनकी टीम के भाई विनोद, ये पैदा हो गए हैं। बच्चों याद रखना एक बात, हमसे शिकायत करते हैं लोग कि हम अपने मंच को किसी भी वक्ता को दे देते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे जब तुम इतनी सारी भीड़ लेकर आओगे तो वो वक्ता ये सोचेगा ये तेरे कारण ये भीड़ आई, ये पता नहीं कि हम यहाँ जो आए हैं वो उनकी सजीवी महफिल में उनके करे कराए पे ताली बजवाने आए हैं, उसमें हमारा कोई पराक्रम नहीं है, पराक्रम आपका है। जो लोग संगठनों के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के पहले भागने का इंतजाम करते हैं वो संगठन के ऊपर भार होते हैं। मैं तो सलाम करता हूँ उन लोगों को जो संगठन से जुड़ गए और जुड़े रहे, संगठन को मजबूत करने में हम अपनी मजबूती जिस दिन महसूस करने लगेंगे उस दिन हमारे संगठन कामयाब होंगे। आजकल मैं एक बात कहता हूँ, हर देश के हर कोने में जाके कहता हूँ, मेरे इस आंदोलन को पदों के लालच ने, पदों के आरक्षण ने तबाह करके रख दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक राम के बच्चे ने पूछा कि सर क्या हम पदों पर आते हैं तो गलत काम करते हैं, हम तो सारे पदाधिकारी हैं। हमने कहा पदों पर आओ, मगर मेरा सारा जीवन बेहतरीन पदों पर रहते हुए गुजरा है, मैं अपने लिए कहता हूँ मुझे आज पद की जरूरत नहीं है। मगर संगठन के पदाधिकारी सुन लो, और जो पद पे आने की तैयारी में है, पद पे आने का सपना देखते हैं भैया, वो भी सुन लो, और सुन नहीं लो ध्यान से सुन लो कि जब कोई पद पे आवे तो ये देखने में किसके पद पे आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है, और उसने अपने जीवन में कितना काम किया, कैसा काम किया। अगर उससे बेहतरीन काम, उससे अच्छा काम कर सको और अपने काम से जनता को प्रभावित और लाभान्वित कर सको तो पद पे आओ, और इसलिए तो पद पे बिल्कुल मत आना। मंच पे बैठ गए, जबरदस्ती आके बैठ गए, फोटो खिंचवा लिया, पहले साली को भेज रहे हैं, फिर साडू को भेज रहे हैं, फिर सास को भेज रहे हैं, और कह रहे हैं तुम्हारा रिश्तेदार बहुत बड़ा हो गया। अरे इसी रिश्तेदारी से तो बेड़ा गर्क हो गया। बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब के हर आंदोलनकारी को ये समझना चाहिए आंदोलन में मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं तो इस आंदोलन की भीड़ का एक हिस्सा हूँ, मैं अपनी मेधा से अगर कुछ दे सकता हूँ तो मुझे देना चाहिए। बाबा साहब का एक संदेश बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब के जीवन की सबसे महान उपलब्धि ये थी कि वह अपने जमाने के सबसे अधिक चरित्रवान महापुरुष थे, और दूसरी ये थी कि वो सबसे विद्वान महापुरुष थे। भगवान तथागत सम्यक संबोधन ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए विनय बनाए, 227 नियम बनाए, उनका भी लब्बो लगाओ यही है, उसका भी निष्कर्ष यही है कि भिक्षु चरित्रवान बने और विद्वान बने। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पत्र लिखा था अपनी मंगेतर डॉक्टर सविता अम्बेडकर को, लिखा था शादी उनकी 15 अप्रैल 1948 में हुई थी, उससे पहले लिखा था ए सविता, उसको वो शारू कहते थे, शारू इस देश के बड़े बड़े नेता गांधी और नेहरू जैसे अगर मुझसे थर्राते हैं तो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं, वो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं बल्कि मेरे चरित्र के कारण, क्योंकि मेरे चरित्र जैसा चरित्र आज इस देश में किसी भी नेता का नहीं है। हमें गर्व है इस बात का कि हम जिस व्यक्ति के अनुयायी हैं, जिस महापुरुष के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है, और वो चरित्र के मामले में हिमालय से भी ऊंचा चरित्र रखते थे, ये उनकी पहचान है। बाबा साहेब जब स्कूल में पढ़ते थे, सोनलाल शास्त्री लिख रहे हैं बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष में लिख रहे हैं कि हम एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट मिल करके पढ़ते थे, एक रात को उन्होंने क्या देखा कि बाहर उनके बाहर पटरी पर एक महिला बैठी है, एक लड़का था मन चला था बदमाश था,
वो अपने साथियों से बिछड़ के बाहर सड़क पे आया और उस औरत से बातचीत की। औरत परेशान थी, पीड़ित थी, उसका आदमी दारू पीता था और दारू पी करके उसके ऊपर अपनी पिटाई करता था, अपनी बहादुरी इसी रूप में साबित करता था। और उसने लड़के ने उसे बहला लिया, फुसला लिया, उसे कमरे में ले आए। बाबा साहब बताते हैं उन्होंने काला मुंह किया और बाबा साहब से भी कहा, अरे भीमराव आजा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको लटारा और कहा कि मैं तुम मुझको अपने जैसा नीच कमीना तुम तो समझते हो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बाप से करूंगा। ये मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चरित्र था। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार छाऊ जी महाराज के परिवार में एक व्यक्ति ने इंग्लैंड की एक अंग्रेज बहन को अपने घर में ले आया, अपने घर में ले आया। कोल्हापुर में महाराजा छाऊ जी महाराज के परिवार में कलेश छिड़ गया कि ये इसको क्यों ले आया। बात बाबा साहब तक पहुंची, बाबा साहब छाऊ परिवार के बड़े नजदीक थे, बड़ा सम्मानित स्थान रखते थे। उन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब हमारी समस्या का हल करो। उन्होंने उस व्यक्ति से बात की जो उस मैन को लाया था, तो उन्होंने बाबा साहब ने कहा उसको कहा कि तुम एक काम करो, इस महिला को अगर तुम अब ले आए हो और अपने साथ रखते हो, इसे पत्नी बना के अपने साथ रखो, तो फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। उस महिला ने उस परिवार के सदस्य से, शाहू महाराज के परिवार के सदस्य से शादी कर ली, समस्या हल हो गई, विरोध समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कई साल के बाद बाबा साहब अपने घर में दादर के हिंदू कॉलोनी में अपने राजगृह में आराम कर रहे थे। रात के 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, बाबा साहब भी नहीं समझ पाए क्या माजरा है, मगर जब दरवाजा खोला तो रात के 3 बजे वो गोरी चिपकी अंग्रेज बहन बाहर खड़ी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। बाबा साहब ने कहा व्हाट इज दिस हैपनिंग, उसने कहा कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी जिसके साथ आपने मेरा विवाह कराया था। आई लव यू डेफिनेटली, यू आर माई डार्लिंग, आई वॉन्ट टू ओपन माई लाइफ इन योर फीट, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहती हूँ, मैं आपको अत्यधिक प्यार करती हूँ, आप मेरे प्राण प्यारे हो, मैं आपके चरणों में अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत बड़े चरित्र के धनी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तुम जाओ, नहीं जाओ, मैं वहाँ के लोगों को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके पास करता हूँ। उसमें लिखा है बाबा साहब ने उस महिला से बड़े मुश्किल से पीछा छुड़ाया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ ऐसा चरित्र है, बाबा साहब की जबर माँ भाई पर गई, उन्होंने डबल रोटी और बिस्कुट खा खा के अपना जीवन बिताया था। साथियों उस वक्त दादा साहब गायकवाड़ बोले, बाबा साहब के राजनीतिक सेनापति थे, बोले है बाबा साहेब अब आप अपने घर में कोई भाई रख लो, कोई नर्स रख लो। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं किसी महिला को, किसी नर्स को, किसी आया को अपने घर में रख लूंगा तो ये वहां का जो कांग्रेस मीडिया है, हिंदू मीडिया है, मुझे बदनाम कर देगा और मैं बदनाम हो गया तो याद रखो बदनाम लीडर अपनी कौम का भला नहीं कर सकता था। उन्होंने बाबा साहेब उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करो, मेरी साली है शांताबाई उसका नाम है, पढ़ी लिखी है और उससे आप शादी कर लो। उन्होंने कहा तू शांता की बात करता है, वो शांता मुझे क्या पुकारती है, आपको बाबा साहब पुकारती है, पहले वो तो मुझे बाबा कहे, वो तो मुझे बाप कहे और मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊं तो क्या तुम मुझे ब्रह्मा समझा है, ब्रह्मा समझ गए ना, इनका जो ब्रह्मा है ना अनाड़ी लोगों का, उसने अपनी लड़की से संभोग करके बेटा पैदा किया। तो हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को हमेशा याद रखें, क्या बने, चरित्रवान बने और विद्वान बने। बाबा साहब विद्वान नहीं होते तो इन लंगोटे की जगह ये सफेद सूट नहीं आता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हमारे जैसे कंगले ऐसे मंच पे खड़े होके इतने कैमरों के सामने ना बोलते, बाबा साहब अगर पैदा ना होते तो इस देश में ये जो गद्दार हैं ये भी पैदा ना होते,
क्यों ना होते? ये गद्दार बाबा साहब की मेहनत से ये भीड़ इकट्ठी होती है और गद्दार कहते हैं ये सारे मेरे अंदर आए हैं, ये सारे वोट मेरे हैं, तो मुझे मेरे गद्दार की फीस दे दे, मैं सारे के सारे तेरे पाले में चले जाएंगे। इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी जरूरत है वो ये है, बाप तो बहुत है जो कहना आया था उन्हें तो मैं भूल ही गया। अब ये है बात कि आज यहाँ पर एक रमेश गौतम जी जो 1978 से अपने साथ मुझे बनाए हुए हैं, मैं मालूम ये उनमें क्या देखते हैं, ना तो भाई मैं विद्वान नहीं, मैं वक्ता नहीं, मेरी आवाज में पता नहीं आपको क्या गुनगुली होती है, इसलिए मुझे बुलाते हैं। इनकी एक किताब है जिसका आज विमोचन होना था, आज वो लेट हुई है, तो इसी वजह से कि वो किताब, ये तो कहते हैं मैं लिखता पढ़ना जानता नहीं, मगर किताब भी बना दी 500 पेज की, तो वो आज नहीं आ पाई, उसमें काम चल रहा है, उसका क्षमा प्रार्थी समय प्रकाशन है, मगर बहुत जल्दी इनके हाथ की इनके जीवन के जो तजर्बे हैं, जो इनके जीवन के अनुभव हैं, जो इनके ज्ञान सारिणी है, वो उसमें आपको मिलेगी। और भाई राक्षस यहाँ आकर अगर खड़े हो गए हैं तो उसका मतलब भी मैं समझता हूँ। अब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा, मगर जाते जाते ये जरूर बताऊंगा कि आप अपने गांव में, अपने रिश्तेदारी में, अपने बच्चों पर नजर रखें। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ रहता है, किसकी संगत भुगतता है, उस पर पहरा देने की जरूरत है। ये जो हमारा दुश्मन है बदमाश, वो कोई ताकतवर नहीं है, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, ये उसकी शक्ति है, हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, ये उसकी संगठन की वजह बनी हुई है। अब मेरी बहना, मेरी बच्चियों, एक बात याद रखना, मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी, आज किसी ने नहीं लाया, नहीं तो लोग कहते हैं जी आज कैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, बिछड़ नहीं गया, पिछड़ गया। मैं एक बात कहता हूँ, वो बुद्धिस्ट है ना, इसने मेरे से भी तगड़ी है, तो आप सब जानते हैं भाई मिलाने के हंस रहे हैं, तो वो जब ब्लाउज सिलवाने जाती है, ब्लाउज तो सभी पहनती है ना महिलाएं, वो नाप देने जाती है एक दिन और 6 दिन जाती है, भैया ये पूरा ढीला कर दिया, टाइट कर दिया, भैया यहाँ से थोड़ा सा और खोल दे, यहाँ से थोड़ा कम कर दे, 6 बार जाती है, मगर शांति स्वरूप बोध की समझ में आज तक ये नहीं आया, जिसके 12 हाथ थे उसका बोझ कौन सिलता था। ये कुछ सवाल है मेरी बहन बेटियों, ये सारे देवी देवता जो उन्हें बना रखे हैं ना, इनको छोड़ो, और आज के दिन, आज का दिन हमारा स्वतंत्रता दिन है, हमारी गुलामी की भेड़ी हम सुनते थे, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करो कि उन्होंने उसे हाथ आग के हवाले करके हमारी आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप अपने अपने घर में जाओ, आज अपने अपने घर में जाना और दीपक जलाना, दीपक क्यों जलाना कि ये दीपक बोधों का आविष्कार है, ध्यान से सुन लो, दीपक बोधों का आविष्कार है, इनके वेदों में, वेदों का जो अनुवादक है गोपाल चंद शर्मा अपने अपने अनुवादकीय में लिखता है कि वेदों के समय में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद होते हुए भी मुझे एक चीज बड़ी विस्मित करती है, वो ये है कि इसमें किसी वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन नहीं है। वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश, जैसे लाइट है, लालटेन है, कुप्पा है, मोमबत्ती है, ये मानव निर्मित प्रकाश है, मगर जब बुद्ध कहते हैं संसार में पहली बार दीपक का वर्णन आया तो मेरे शास्त्रा भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मुखारविंद से आया, जब वो कहते हैं अत्यधिको भव, अत्यधिको भव कहते ही ये दीपक हमारा हो गया, दीपक जलाने के जितने भी त्योहार हैं वो सारे के सारे हमारे हैं, आज अपने घर जाकर के
दीपक नया से खरीद के ले जाना या गांव में खरीद लेना, मगर दीपक जरूर जलाना। दीपक जलाने के काम में आलस मत करना, लालच मत करना। जरा ये बता दो इस व्यक्ति को कि आपके यहाँ से अपने घर जा जाकर कम से कम 5 दीपक जलाने हैं, बताओ कौन कौन जलाएगा? भैया मेरी नजर कमजोर है, जरा पहले की तरह खड़े होकर बताओ कि कौन कौन जलाएगा? दीपक जलेंगे, अनगित जलेंगे। अब मेरे साथ जो अपने आप को देख खड़े रहो तो बैठे बच्चों को भी खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए बड़े हो जाओ। मेरे नामों का जवाब कौन कौन देगा? बोलो, हम अम्बेडकर वादी हैं। अरे ये 144 खंबे की पार्लियामेंट में बैठा फेंकू हिलना चाहिए। हम अम्बेडकर वादी हैं। बोलो, संघर्षों के आदि हैं। हम अम्बेडकर वादी हैं। हम अम्बेडकर वादी हैं। हम अम्बेडकर वादी हैं। सीने ये फोला दी हैं। आप सबको क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुद्धस्य।